मैंने इनका ट्राई किया था मलाई बोटी शवारमा। यार ये बड़ा हैवी किस्म का, यहाँ पे सारा लवाजमात पड़े हैं इसके शवारमे के, और बैक साइड पे उधर सज्जी भी लग रही है, बड़ा हैवी किस्म का बाजी। चिली सॉस आ गई। ओके, ये सैलड, तीन पीस तिक्का बोटी, तीन पीस तिक्का बोटी, ये मायो डाली ऊपर से रोल। ओह, चरगा, स्टीम चरगा, स्टीम चरगा, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला लगा हुआ है इसे। ड्रम स्टिक बड़ी स्पाइसी लग रही है। ये मिर्ची है इसके ऊपर। ओह, बड़ा हैवी किस्म का बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। ज़बरदस्त यार, ये आ गया हमारा मटका मिंट मार्गरेटा, बड़ा हैवी किस्म का, ये टेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, येट अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तान फूड टूर, और आज का एपिसोड बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ वापडा टाउन, और आज हम कवर करेंगे पाकिस्तान फूड टूर का एपिसोड 6, जिसके लिए मैं आ चुका हूँ ग्रिल शवारमा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये लोग बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू तैयार करते हैं, और उस बारबेक्यू के बनाते हैं शवारमे। तो मैंने इनका ट्राई किया था मलाई बोटी शवारमा, चेक करते हैं इनके पास और क्या क्या आइटम्स हैं और किस लेवल की हैं। लेट्स गो। ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे बाज़ार है, इस चौक को कहते हैं रहमत चौक, और मेरे पीछे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्केट बनी हुई है। ओपन जो है वो यहाँ पे कुकिंग हो रही है, इस तरफ जो है वो शवारमा बन रहा है कुछ, और यहाँ पे कोक स्टूडियो भी है, ये चेक करते हैं ये क्या सीन है। और बड़ा हैवी किस्म का यहाँ पे रश लगा हुआ है, आई डोंट नो ये किस चीज़ का, ये इसी तरह ही रहता है या आज कोई ख़ास दिन है। अच्छा जी, इस जगह का नाम जो है वो मुझे सही से नहीं पता था, मुझे लग रहा था इसका नाम है ग्रिल शवारमा, लेकिन पता चला है यहाँ का नाम जो है वो अल शेख दही बल्ले एंड टेस्ट रेस्टोरेंट। तो इनका जो है ये रहमत चौक है, इस पर बिल्कुल चौक में है ये, और इनकी ऊपर सेटिंग भी है, और बड़ा हैवी किस्म का यहाँ पे सज्जी का भी माहौल है, बेहतरीन किस्म का बारबेक्यू लग रहा है। दही बल्ले जैसा कि नाम में है, दही बल्ले भी है, और भी हम ट्राई करेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। पराठा रोल वो भी अंदर ही है, ये काफ़ी हैवी सेटअप है यहाँ पे इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या लगा रहे हो आप? शवारमा, टिक्का शवारमा। टिक्का शवारमा जी। और क्या क्या ऑप्शन है इसमें? मलाई बोटी कबाब, ग्रिल सिंगर, जिस तरह का भी बारबेक्यू तैयार होता है आप शवारमे में फिट कर देते हो। अच्छा, तो कितने अर्से से सेटअप है ये? कितने भाई? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए जी। अच्छा, तो यार ये बड़ा हैवी किस्म का, यहाँ पे सारा लवाजमात पड़े हैं इसके शवारमे के, और बैक साइड पे उधर सज्जी भी लग रही है, बड़ा हैवी किस्म का बाजी है। और यहाँ पे जो है वो शवारमे बर्गर भी बना रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये टिक्का रोटी है जी भाई, स्पाइसी। अच्छा, बस प्राइसेस क्या क्या है इसकी? 350 टिक्का, 350 जिंगर, 350 कबाब, 420 मलाई बोटी। 420 मलाई बोटी जी। हैवी किस्म का जो है वो मलाई बोटी है जी भाई। सबसे पहले मायो लगाते हो जी? चिली सॉस आ गई। ओके, ये सैलड, तीन पीस टिक्का बोटी, तीन पीस टिक्का बोटी, ये मायो डाली ऊपर से रोल। ये मायो गार्लिक जी, गार्लिक मायो, गार्लिक मायो। अच्छा, एक साइज होता है, फ्लेवर अलग अलग है, फ्लेवर अलग अलग होते हैं, फ्लेवर अलग अलग है। बॉस, इस तरफ क्या क्या आइटम्स हैं? ये सर गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ओके, ओह, चरगा, स्टीम चरगा, स्टीम चरगा, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला लगा हुआ है इसे। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या? ड्रम स्टिक तो बड़ी स्पाइसी लग रही है। ये मिर्ची है इसके ऊपर। ओह, ज़बरदस्त। और ये वाला? ये बिरयानी।
ये प्लेन बिरयानी राइस, तो इसमें फिर आप ऊपर जिसने जो चीज़ लेनी होती है वो देते हो, तो क्या प्राइस है इसकी? ये आपको करके दिखाते हैं, इसकी प्राइस है 300। 300 ये जो मर्जी ले लें, इनमें से चरगा ले लें या ड्रम स्टिक ले लें, ये सेपरेट है। सादा बिरयानी 350 की है, ये दाल को अगर वो देखी चलवाएंगे तो वो उसकी पड़ेगी। उसकी क्या प्राइस है? वो 400 का पीस है, 400 का। ज़बरदस्त यार, ये आप बिरयानी बन गई है, एक पीस डालते इसमें हाँ हाँ 500 ग्राम प्राइस होती है। ओके, एक बंदे की क्वांटिटी होती है। यार ये बड़ा हैवी किस्म का यहाँ पे सीन चल रहा है, मुझे आइडिया नहीं था। ये क्या बन रहा है इधर? ये सज्जी राइस। सज्जी राइस वो अलग किस्म के होते हैं, वो ज़रा फीके होते हैं। सही यार, यहाँ पे काफ़ी आइटम्स बन रही हैं। मुझे था यहाँ पे दही बल्ले अंदर हैं, अंदर चलते हैं और चेक करते हैं दही बल्लों का क्या सीन है। ये जनाब अंदर भी काफ़ी हैवी सीन है, ये मुझे लगता है फ्रूट चाट है, रशियन सैलेड, और ये भी रशियन सैलेड मिक्स होता है, ये मिक्स है। और यहाँ पे और क्या क्या आइटम्स हैं? ओके, मैं ज़रा आगे जाके देखना चाहता हूँ क्या सीन है। गोल गप्पे भी यहाँ पे हैं, ये खीर है, ये खीर है, ये फिरनी है, ये आगे दही भल्लों के लवाजमात है, ऐसे ही है? ये गोल गप्पों की फिलिंग है ये। ज़बरदस्त, ये खट्टे चिकंदर, ये सलाद, फ्रेश ग्रीन सलाद काटा है, ये फ्रूट चाट है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, फ्रूट चाट है, ये चना चाट है, ये सही पता है, ये मिली चटनी, वो सब्ज़ है, वो दही। ओहो, बड़ा हैवी किस्म का दही भल्लों का सीन है यहाँ पर। ओहो, तो भाई एक्सपर्ट लग रहे हैं कोई। जी जी, 20 साल का तो चल रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त यार। यार ये इनका मेन काउंटर है, यहाँ से पे करके आपको स्लिप मिलती है जो आपने यहाँ पे लेके आनी है, और आपकी जो भी आइटम होगी वो यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। अगर आप सिटिंग का पूछें तो यहाँ से अंदर सेटअप है सिटिंग का, यहाँ पे भी सेटअप है अंदर, ऊपर भी जो है ना वो बड़ा हैवी किस्म का सेटअप है इनका, अच्छा खासा जो है ना वो ठंडा सेटअप है इधर। तो हम भी यहीं पे बैठ के अपना ऑर्डर मंगवाते हैं और ट्राई करते हैं इनकी कुछ बेहतरीन आइटम्स। अच्छा जी, शवारमे आ गए हमारे पास, ये मुझे देखने से लग रहा है ये मलाई बोटी शवारमा है, ये टिक्का शवारमा है, ज़रा मुझे बोटी के टेक्सचर से फील हो रहा है। और ये है हमारे पास बड़ा लोडेड किस्म का ये सीख कबाब शवारमा, और सीख में इनके पास बीफ है, ये मटन नहीं है, तो ये भी मुझे बड़ा लिथल किस्म का लग रहा है। तो सबसे पहले जो मेरा दिल कर रहा है वो ट्राई करते हैं इनका टिक्का शवारमा, और बड़ा हैवी किस्म का जो है, अंदर से जूसी चिकन है इसका, तो ट्राई करते हैं इसको, इसको हाफ कर लेते हैं ताकि कंट्रोल में रहे सारा कुछ, अदरवाइज़ जो है ना ये वाले शवारमे ये बहुत चांसेस होते हैं कि ये हाथ में खुल जाएँ। तो ये सबसे पहले करते हैं इधर से ये ओपन, ओए होए होए होए, मायो से जो है ना पुल भरा हुआ है, ये देख के जो है ना मुंह में पानी आ रहा है। मैं ज़रा इसका कागज़ हटा लूँ एक दफ़ा, क्योंकि फिर एक दफ़ा सीन चल जाए तो फिर रुका नहीं जाता। ओए होए होए, हैवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेवल यार, ये शवारमे का सीन है, और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो वेजीज आ रही हैं मुंह में। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ कमाल, बड़ा बटरी सा फ्लेवर आ रहा है इसका। हम्म,
बेहतरीन। ये बता रहे थे कि ये स्पाइसी है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने अंदर सॉस लगाई है ना, तो स्पाइसी ज़रा कम हुआ हुआ है। कोई मसला नहीं, हमने जो है वो एक्स्ट्रा एक डिप मंगवाई थी इनकी, ये इनकी एक्स्ट्रा डिप इस तरह आती है, और ये है 80 रुपीज़ की। आप कोई भी डिप ले सकते हैं, स्पाइसी भी ले सकते हैं, और मायो गार्लिक जो ने डाली थी वो भी ले सकते हैं। तो मैंने मंगवाई थी इनकी स्पाइसी डिप, इतनी फ्लोई नहीं है, लेकिन इसी तरह डाल लेते हैं हम, चेक करते हैं इनकी स्पाइसी जो है वो सॉस किस तरह की है। इसको निकाल लेते हैं अंदर से, ट्राई करते हैं स्पाइसी चिकन टिक्का। ओह, शरीर स्पाइसी, ज़ुबान पर लगते हैं मिर्चें लगी हैं, वो बड़ा हैवी सीन है इसमें मिर्चों का। ओह हो, बड़ी क्लासिक मिर्चें लगी हैं अब। बहुत आला यार। नेक्स्ट मैं इनका ट्राई करना चाहूँगा सीख कबाब, सीख कबाब शुआरमा। ओए हो, ये बाबा जी लेवल चेक कर रहे हैं। इसमें दो सीख कबाब लगे हुए हैं इसमें, और शदीद मज़ेदार लग रहा है ये। चेक करते हैं, मलाई बोटी जो है वो मैं एंड में रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके लेवल का पता, मैं पहले ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ। माइल्ड है और इतना जूसी भी नहीं है, क्योंकि सीख जो सीख कबाब है वो अंदर से ड्राई है, और सारी जो है ना मायो वो इसके ऊपर लगी हो, लेकिन इसमें ना मायो की क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं जाऊँगा तो मैम चिकन टिक्के की तरफ जाऊँगा। तो थोड़ा सा स्पाइसी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पाइस नहीं लग रही। अब कुछ बेहतर लग रहा है। अच्छा जी, अब इनका ज़रा हैवी सीन, अब जो है वो इसका मलाई बोटी शवारमा टेस्ट करते हैं, जो कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। चेक करते हैं अभी भी वही टेस्ट है या नहीं। शवारमे का साइज़ इनका एक जैसा ही है, कोई छोटा बड़ा वाकई बड़ा शवारमा वो वाला सीन नहीं है, एक ही साइज़ का शवारमा। और प्राइसेस मेरा ख्याल भाई ने बताई थी, जो मलाई बोटी शवारमा है ये 420 का था, और बाकी दोनों जो हैं वो 350 के आई थिंक 350 थी। ये जनाब इसका मलाई बोटी का अंदर से सीन है, टेस्ट करते हैं। ओह, ये तो बाबा जी हाथ में पड़ गया, शवारमा खुल गया सारा हाथ में। बिस्मिल्लाह, इंतहाई मज़ेदार। मलाई बोटी में जो क्रीम लगी होती है ना, या उसकी जो मैरिनेशन लगी होती है मलाई बोटी की, वो इतनी ज़बरदस्त की हुई है इसमें, और बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है मलाई बोटी का। ट्राई करते हैं स्पाइसी मलाई बोटी, और मलाई बोटी जो है उसमें काफ़ी बड़ी है। बहुत ही बेहतरीन शवारमा है। अच्छा जी, शवारमों का बड़ा हैवी सीन करने के बाद मैंने उनके साथ कोई ड्रिंक नहीं ली थी, क्योंकि मुझे ये नज़र आ गया था मिर्ची मटका लेमन सोडा। तो ट्राई करते हैं ये क्या चीज़ है और किस लेवल की है। भाई से पूछते हैं क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे। सलाम अलैकुम जी सर, क्या हाल चाल है यार, क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेमन सोडा है, मिंट मार्गरेट है, उसको मिर्ची मटका है। मिर्ची मटका क्या चीज़ है, ये बड़ा कोई यूनिक सा नाम लग रहा है मुझे।
इसमें लेमन होता है, मिर्च होती है और इमली का पानी। इमली का पानी गोलगप्पों वाला? गोलगप्पों वाला कह सकते हैं। तो क्या हिट आइटम क्या है? हिट आइटम तुम्हारी मिंट मार्केट है। मिंट मार्केट है। ओ, बड़ा बड़ा हैवी किस्म का बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ओ ज़बरदस्त यार, ये क्या बना रहे हैं अभी? ये लेमन सोडा। ये लेमन सोडा है। और मिंट मार्गरिटा क्या है? मिंट मार्गरिटा वो लस्सी होता है, इसमें बनता है। अच्छा, तो यार मैं भी आपकी जो हिट आइटम है वो ट्राई करना चाहूँगा। चेक करते हैं इनका मिंट मार्गरिटा। बड़ा हैवी ठा का सीन डाला है इन्होंने। साथ साथ बताते जाएंगे बॉस क्या क्या बना रहे हैं। ये मिंट आ गया अंदर, ये फ्रेश मिंट आ गया, लेमन जूस, लेमन जूस। ज़बरदस्त यार। तो क्या प्राइसेस क्या है इसकी? 150 का मिंट है। अच्छा, और दूसरा लेमन? लेमन 80। और मटका जो है वो भी 80 का? अच्छा, मतलब जो हिट आइटम है वो सबसे हायर प्राइस पे है। हाँ जी। ज़बरदस्त यार। यार ये मैंने एक ट्राई किया था, उन्होंने ये सोडा डाला अंदर और उन्होंने शेक किया, तो सारी गैस उसकी निकल गई। अभी क्यों खाना है? अच्छा, बड़ा ही कोई स्पेशल किस्म का ये बना रहे हैं। और अगर इसकी मैं लोकेशन बताऊं, तो यहाँ पे जो है वो हमने ये शवारमा खाया है, ये रहमत चौक है, और ये भाई ये केक्स एंड बेक्स के बिल्कुल सामने है। ऐसे है भाई? ज़बरदस्त। तो जी ये आ गया हमारा मटका मिंट मार्गरिटा, बड़ा हैवी किस्म का। तो ये टेस्ट करते हैं, बहुत ही जो है ना ऊपर स्लशी जो है वो इसके आया हुआ सीन। बिस्मिल्लाह। ओए होए होए, लेवल है यार, लेवल है, वाकई लेवल है। इंतहाई ठंडा और मिंट का ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आ रहा। जितनी अखीर गर्मी पड़ रही है ना, मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन ड्रिंक यही है। लेवल। मेरा सही डिसीजन था शवारमे के साथ ड्रिंक ना लेने का, क्योंकि मैं ये ट्राई करना चाह रहा था बेहतरीन। A1 यार, ये भाई हमसे पैसे नहीं ले रहे, कहते नहीं पैसे नहीं लेने हमने। आप इंजॉय करें और सही रिव्यू दें कि ये किस तरह का। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, बेशक इन्होंने पैसे नहीं लिए, लेकिन ये मस्ट ट्राई करें। एक तो ये ठंडा है, पकड़ने भी बड़ा मज़ा आ रहा है और टेस्ट भी बहुत, ये सीन। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह का मज़ेदार कंटेंट मिलता रहे। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।